तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रभात और सत श्री अकाल एंड आदाब। तो इवन आज की शुरुआत हो गई है दिन की और अभी निकल गए हैं साइड के लिए। तो इवन अभी जल्दी में हूँ, एक्चुअली रात को आपने देखा ही है काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। इवन रात को 9-10 बजे मैं घर आया हूँ और काम भी ऐसे ही हुआ है। तो इवन अभी फ़ोन किया था, उन्होंने बोला है कि अभी साइड पर बंदे आ गए हैं, देखते हैं कितना मैन पावर आया हुआ है साइड पर और कितना काम आज वो कर रहे हैं। अभी एक इश्यू हो गया था, एक सिस्टर है, उनका नया बेबी हुआ है तो वो मांगने वाले आ गए थे। अभी वो अकेली है तो मेरे को भी फ़ोन आया, तो उसके भी एक एमरजेंसी है, बट साइट पे वो लोग थे तो उनको बोल दिया था। तो चलो अभी साइट पे पहुँचते जल्दी यार, अभी काफ़ी ज़्यादा मेरा एक टेंशन है कि आज क्या होता है पूरे दिन में। तो चलो गाइस अभी देखते हैं आज पूरे दिन क्या होता है साइट पे, चलो मिलते हैं साइट पे आपसे। तो फाइनली गाइस अभी साइट पे पहुंच गए हैं और साइट पे इवन मैं बताऊं कल जो कॉलम कास्ट किया था उसकी शटरिंग खुल गई है और कॉलम कास्ट हो गया है। इवन शटरिंग मैंने लगाया था तो थोड़ा ब्लैकिश तो दिख रहा है, इवन सेट हो गया है मगर कॉलम, बाकी एक दो तीन दो ये कॉलम रेडी हो रहे हैं अभी, इनमें फर्मे लगाए जाएंगे, उसको फिल करेंगे। एक जो कल रह गया था फर्स्ट में तो उसको फिल कर दिया है। तो अभी एक्चुअली 12 बज गए हैं मेरे को साइट पे आते आते और तराई भी अब शुरू हुई है। तो चलो कोई नहीं, अभी मोटर लगवाई है और अभी तराई का काम हो रहा है। तो चलो साइट में आज एटलीस्ट काम का फ्लो अच्छा है कल के मुकाबले, और ठेकेदार साहब भी आज चाक चौबंद है, चौकस है एकदम काम को लेके। तो इन्होंने मोटर ही मेरे आते ही मंगवाई है। स्टार्टर बना रहे बोलो, स्टार्टर बना रहे। तो गाइस अभी ये सब चल रहा है साइट पे और लंच टाइम होने को है। तो चलो अभी लंच के बाद देखेंगे कितना काम होएगा। अभी एक्चुअली फर्मेयर में लगेंगे तो कॉलम कास्टिंग हो जाएगी, बाकी तराई चल रही है और स्टार्टर बनाया जा रहा है कॉलम का। तो चलो अभी 1 बज गए हैं, उसके बाद लंच के बाद देखेंगे कि कितना फ्लो में काम हो सकता है या हो पाएगा। तो चलो कल से फ्लो अच्छा है साइड पे और धूप तो है ही। चलो ये रेडी कर रखा है, ये फर्मा रेडी है, बस उसको लगाना है और उसके अंदर कंक्रीट मिक्स डालना है, बाकी ठेकेदार साहब तो बिजी हैं। सो फाइनली गाइस अभी मैंने ही तराई कर दी है। इवन मोटर में थोड़ा इशू था, पूरा फोर्स नहीं आ रहा था, काफ़ी प्रेशर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसका पाइप थोड़ा टंकी के अंदर पिचका हुआ था तो उसको सीधा किया तो बहुत प्रेशर आया फिर, और इजीली पूरे साइड का
तराई हो गई आराम से। इवन ये नया कॉलम है तो उसको कास्ट, इसको मे बी इसकी तराई करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो अच्छी तरह इसको पानी पिला दिया अभी। और बाकी पूरी साइड पे भी, साइड में मैंने ही तराई कर दी है पाइप से, पड़ा हुआ है सारा ताम झाम। तो चलो, दिन का टाइम है, तेज़ धूप है, तराई हो गई है और अब अच्छा प्रेशर आ रहा है तो जल्दी हो रही है तराई। तो चलो अभी लंच करते हैं, एक से ज़्यादा टाइम हो गया अभी, लंच के बाद देखेंगे क्या होता है साइड पे। चलो चलते हैं लंच करने। तो गाइस अभी लंच टाइम हो गया है और ज़रा स्कूटी बहुत दिनों से गंदी हो गई थी, धो नहीं पा रहा था बिल्कुल। तो अभी पानी मारा है इसमें पाइप से तो चमक गई है। तो चलो अभी लंच टाइम ओवर, अभी देखते हैं साइड पे क्या चल रहा है और होपफुली आज जो एक फ्लो है काम का कल के मुकाबले बहुत बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही अगर स्पीड में काम हो साइड पे तो काम का जो प्रोग्रेस है वो जल्दी पूरा हो जाएगा और टाइम से इवन काम पूरा हो जाएगा। मैं भी यही चाहता था कि इवन मेरी छुट्टियां जब तक है तो इवन लेंटर लेवल तक का काम हो जाए जल्दी से। तो चलो देखते हैं साइड पे क्या हो रहा है। इसमें पानी डालोगे ना, ये डाल देना वाटर प्रूफ वाला। मोटर से ले रहे हो पानी? निकाल दिया। ये फ्रंट की प्लिंथ की शटरिंग उतर गई है। ये निकल जाए, तार पड़ी है वाली मेटल की। सो गाइस अभी ये फर्मा है, ये लगा दिया है। तो ये रेडी है कास्टिंग के लिए। ये हो गया, वो भी हो गया। तो वैसे अभी पाइप निकल जा रहा है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मोटर से। तो ये जो पाइप है आउटेज का, ये निकल जा रहा है प्रेशर की वजह से। तो अभी तार से इसे फिक्स कर रहे हैं ताकि ये पाइप निकले ना। ठेकेदार साहब भी आ गए हैं अभी लंच करके। अरे कोई दिक्कत नहीं है बल्ली की, रुक जा, खेल क्यों रहे हो? पीछा मैं खींचो आप लोग। पलटो ना इसको, ऐसे करो ना, पलटो के रखोगे तभी तो। चल आने दो, उठाओ। अरे नहीं आएगा, इधर से आओ घूम के। चलो 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 चलो, उठे 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 उठे, पीछे चलो, झोंक से उठाए मर्द जैसे। चलो उठे, तो चलो गाइस अभी थर्ड कॉलम इवन इसका फ्रेम बनने वाला है। तो चलो अभी इवन 1 2 3 4 5 कॉलम एटलीस्ट कास्ट हो जाएंगे अभी तक। तो जो फिफ्थ कॉलम है उसका फर्मा लगाया जा रहा है। तो चलो अभी कीलें और शटरिंग ऑयल की रिक्वायरमेंट है तो लेके आते हैं, जाना पड़ेगा थोड़ा मार्केट, शटरिंग ऑयल ख़त्म हो गया। तो चलो अभी मार्केट जाते हैं, शटरिंग ऑयल और कीले लेके आते हैं, तब तक ये फर्मा लग जाएगा। सो गाइस अभी कुछ सामान चाहिए था, शटरिंग ऑयल तो मिला नहीं है, ख़त्म हो गया है, और कीले ले ली हैं, और एक बल्ब चाहिए था क्योंकि साइड पे
रात हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए एक बल्ब ले लिया है, वायर ले लिया, होल्डर ले लिया। चलो अभी साइड पे चलते हैं और एक लेबर्स के लिए कोल्ड ड्रिंक ले लिए। तो इवन आज मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला है, अभी साइड पे मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए काले बादल आ चुके हैं, सोलह के लिए मेरे को लग रहा है बारिश होने वाली है। तो चलो अभी कील की रिक्वायरमेंट है, जल्दी साइड पे पहुँचते हैं, शटरिंग वाल तो मिला नहीं है। बताई है दो तीन बारिश, किसके पास करा तुमने? अच्छा करो, कोको कोला पी लो। हदीस आएंगे अभी, चढ़ा रहता है मिस्त्री का, वो तो हो गई। एक आदमी तो राहत चाहिए, एक मिस्त्री के साथ भी वहां तक गाली दी गया था, तुम काम तो भी काम नहीं किए, ये हुआ वो तो तू छोड़ रखा है ना, हम तो अब इन गाड़ी दिए ला के हम कल फिर ना हो गए। कहाँ कटा ये कट गया वो नहीं कटा कुछ, वो चार बस में रह रहा है बस। तो इस कॉलम में थोड़ा इशू हो गया है, इवन इसको फिल कर रहे थे, कास्ट कर रहे थे, बट ये थोड़ा आई थिंक लूज हो गया फर्मा, तो ये एक्चुअली इसके बैक साइड से सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा खिसक गया, तिरछा हो गया, तो ये भी थोड़ा रिस्की है, अगर खुल जाता तो सारा मटेरियल जो कॉन्क्रीट है वो बाहर आ जाता। तो अभी इसको ये सपोर्टर लगा के इसको थोड़ा फिक्स किया है, बट अभी भी थोड़ा तिरछा है, बल्लियां हैं नहीं क्योंकि बल्लियां सब लगा रखी है कॉलम्स में। तो अभी एक बल्ली लेने गए हैं, इसको साइड से सपोर्ट चाहिए ताकि इसको थोड़ा खिसका के सीधा किया जा सके। इवन ऑलमोस्ट पूरा भर गया है ये, तो अभी इसके लिए बल्ली लेने गए हैं, इसलिए इसमें इशू हो गया था, इसलिए लगे हुए थे इसमें, बट ये थोड़ा तिरछा है, अगर तिरछा ही कास्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी आगे। तो चलो अभी बल्ली ला रहे हैं, बाकी इसको थोड़ा सपोर्ट देते हैं इस तरफ से ताकि ये थोड़ा सीधा हो जाए, और इवन चार तसले मसाला भी इसमें रह गया तो बनवाते हैं, उसके बाद फिर ये भी कास्ट हो जाएगा। और ऑलमोस्ट छः से ज़्यादा हो गया टाइम, अभी निकलना भी है घर, चलो देखते हैं अभी बल्ली आ जाती है उसके बाद इसका क्या होता है। तो गाइस अभी जैक आ गया, और तो गाइस अभी जो ये इशू हो गया था कॉलम के साथ वो शॉर्ट आउट हो गया। इवन ये जैक ले आए लेफ्ट साइड से, तो ये जैक से इसको थोड़ा अंदर कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं ताकि हिले ना अपनी जगह से। तो चलो इसको करते करते 6:30 हो गए, अभी इसमें थोड़ा कंक्रीट और भरना है, तो इवन इसको कल पे नहीं टाल सकते थे वरना हमारा कॉलम टेढ़ा हो जाता। तो चलो फाइनली गाइस इसको सेट कर दिया, और बस अब इसमें 3-4 तसले कॉन्क्रीट और डलेगा, उसके बाद ये हो जाएगा डन, उसके बाद जल्दी निकलेंगे, मेरे को भी जल्दी घर पहुंचना था, बट आज भी अंधेरा हो गया। एक्चुअली आज मौसम थोड़ा ख़राब है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, इवन मेरे को लग रहा है रात के टाइम बारिश होगी, और हो जाए तो अच्छा है, तराई हो जाएगी। तो चलो देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती, बस ये कॉलम ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। अरे बागवानी से पहले आपकी तो लैंग्वेज भी वैसी हो गई कैसी। चलो फाइनली तो फाइनली गाइस ये कॉलम कास्ट हो गया है, और चलो अब फिर ये हो गए काम से। तो चलो अभी सब लोग निकलने की तैयारी में हैं, अंधेरा हो गया है, मौसम ख़राब है, मैं भी निकलता हूँ कहीं बारिश ना हो जाए तेज़। तो चलो कॉलम का हो गया जो भी होना था, इवन फिक्स कर दिया, तो इवन 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम कास्ट हो गए हैं, और इवन इसके बाद कल और 4-5 कॉलम कास्ट करेंगे।
तो चलो कल देखते हैं कितने कॉलम कास्ट होते हैं, और आज का ब्लॉग भी यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारे जो ठेकेदार साहब हैं ये बाय कर रहे हैं, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का वीडियो करते हैं एंड, गुड नाइट।